नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो इंसान एक बार बैंक से लोन ले लेता है, देन उसके बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से, तो मरने के बाद उसके लोन की भरपाई कौन करता है, मतलब उसका लोन कौन चुकता करता है, क्या उसका लोन कोई चुकता करता है या नहीं करता है, ऐसे में बैंक क्या एक्शन लेता है। तो इस चीज़ के बारे में आज आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक से लोन लेने के बाद लोन लेने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो इसमें ना कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं बैंक की तरफ से। मतलब लोन लेने वाले इंसान की अगर मृत्यु हो जाती है तो बैंक उस मरने वाले बंदे से किस तरह से अपनी वसूली करता है, मतलब अपने दिए हुए पैसे लोन के माध्यम से वो किस तरह से लेता है उससे। देखिए दोस्तों, बैंक के भी ना अपने अलग अलग तरीके होते हैं लोन के अमाउंट को लेने के लिए। देखिए दोस्तों, पर्सनल लोन में अगर पर्सनल लोन लेने वाले इंसान की मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से, तो पर्सनल लोन को वसूलने के बैंक की तरफ से ना तीन तरीके होते हैं। जब हम पर्सनल लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक ना हमारा इंश्योरेंस करता है। लोन लेने से पहले ही हमारा बैंक को इंश्योरेंस करना होता है और ये इंश्योरेंस इस चीज़ का होता है कि बाई चांस भगवान ना करे अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो बैंक किस तरह से वो पैसा वसूलेगा। दोस्तों, जो इंश्योरेंस का पैसा होता है ना, वो भी पर्सनल लोन वाले व्यक्ति से ही लिया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर बाई चांस लोन लेने वाला बंदा मर जाता है तो बैंक जो है वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से वसूलता है, क्योंकि किसी की कोई गारंटी तो है नहीं, कब कौन कहाँ कैसे मर जाए कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए लोन देने से पहले बैंक जो है सामने वाले बंदे का इंश्योरेंस कर देता है, इंश्योरेंस कंपनी से उसका इंश्योरेंस करवा देता है और उस इंश्योरेंस का पैसा भी बैंक जो है उसी से ही वसूलता है, उस लोन लेने वाले बंदे से ही वसूलता है जो पर्सनल लोन लेता है बैंक से। तो जब वो बंदा मर जाता है, अगर बाई चांस वो मर गया, तो मतलब जितना पैसा वो बंदा ले चुका होता है ना पर्सनल लोन का बैंक से, जितना पैसा वो ले चुका होता है वो सारा पैसा रिकवर हो जाता है उसका इंश्योरेंस कंपनी से, मतलब बैंक वालों का पैसा इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, जो पर्सनल लोन जिस बंदे ने लिया है, अगर उसने बैंक के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी रखी है, प्रॉपर्टी में मतलब उसने कोई गोल्ड रखा है, अपनी घर की संपत्ति रखी है, कुछ भी ऐसा रखा है जिसके बलबूते पे बैंक ने उसको लोन दिया है, जिसके बिहाफ पे बैंक ने उसको लोन दिया है, ऐसा अगर बंदे ने कुछ भी रखा है बैंक के पास, तो ऐसे में जब उस बंदे की मृत्यु हो जाती है जिस बंदे ने बैंक से लोन लिया था, तो बैंक क्या करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है जिसके बिहाफ पे उसने लोन लिया होता है, जिसके बिहाफ पे बैंक ने उस बंदे को लोन दिया होता है, उसी चीज़ को वो बेच देता है, मतलब बैंक उस चीज़ को बेच देता है, देन उसके बाद वो अपना पूरा पैसा उससे रिकवर कर लेता है। मतलब ये दो तरीके होते हैं बैंक से लोन लेने के, मतलब बैंक इन दो तरीके से सामने वाले बंदे को लोन दे देता है, एक तो उसकी प्रॉपर्टी पे देता है और दूसरा उसके इंश्योरेंस पे दे देता है। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ये है, अगर सामने वाले बंदे ने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बैंक को नहीं दी हुई है, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी पर बैंक ने उसे लोन नहीं दिया, साथ ही साथ उसका कोई इंश्योरेंस भी नहीं हुआ, ठीक है, बिना किसी इंश्योरेंस के, बिना किसी प्रॉपर्टी के बैंक ने उसको लोन दिया हुआ है, तो ऐसे में अगर वो सामने वाला बंदा मर जाता है तो बैंक कैसे उसकी वसूली करता है अपने पैसों की उस बंदे से। तो ऐसे में बैंक जो है तीन लोगों से वो पैसा वसूल कर सकता है। सबसे पहला कि जिस बंदे ने उस बंदे की लोन की गारंटी ली होगी, मतलब कहने का ये है, जैसे मान के चलो मैंने बैंक से पर्सनल लोन ले लिया और मैंने बैंक को कोई प्रॉपर्टी भी नहीं दी और मेरा कोई इंश्योरेंस भी नहीं हुआ, मतलब बैंक ने बिना किसी चीज़ के मेरे को लोन दे दिया, लेकिन यहाँ पे अगर बाई चांस भगवान ना करे मेरी मृत्यु हो जाती है तो बैंक किस तरह से वो पैसा वसूलेगा। वो पैसा इस तरह से वसूलेगा कि जिस बंदे ने मेरी गारंटी ली होगी, मतलब जिस बंदे ने अपनी गारंटी पे मुझे बैंक से लोन दिलवाया होगा, एक तो बैंक उस बंदे को पकड़ेगा, दूसरा बंदा
मेरा मतलब जो मेरे घर के फैमिली का कोई मेंबर होगा, मतलब बैंक जो है एक तो उस बंदे को पकड़ेगा जिसने मेरी गारंटी ली हुई होगी, दूसरा मेरी फैमिली मेंबर में से किसी एक को पकड़ेगा, मतलब जैसे मान के चलो अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी वाइफ से वसूलेगा, अगर कोई लेडी है तो उसके हस्बैंड से वसूलेगा, ठीक है, दूसरा ये तरीका हो गया, या फिर मरने वाले के बच्चों से वसूलेगा, अगर उसके बच्चे बड़े हैं तो उसके बच्चों से वसूलेगा, मतलब जो उसके उत्तराधिकारी हैं। तो दोस्तों इन तरीकों से बैंक जो है अपने पैसे की वसूली कर सकता है। मतलब ऐसा होता है जो मरने वाला बंदा है, जैसे जो मरने वाला है अगर वो शादीशुदा है, अगर वो लेडी है तो उसके हस्बैंड को बैंक पकड़ेगा, अगर वो आदमी है तो उसकी वाइफ को बैंक पकड़ेगा, अगर उसके बच्चे बड़े हैं तो बच्चों को पकड़ेगा, बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी पे एक्शन लेगा, ठीक है, और जो उसकी किसी ने गारंटी ली है तो उस गारंटर को पकड़ेगा। मतलब बैंक एवं किसी को ऐसे तो लोन दे नहीं सकता भाई, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर तो बैंक लोन देगा ही ना, या तो इंश्योरेंस होगा या उसकी प्रॉपर्टी पे होगा या उसकी गारंटी पे होगा, तो कहीं ना कहीं से बैंक जो है अपनी वसूली कर लेता है। मतलब कहने का यह है जो गारंटर होता है ना, जो गारंटी लेता है, जैसे मान के चलो मैंने लोन ले लिया तो मेरी अगर कोई गारंटी लेता है तो बैंक ना एक पेपर पे साइन करवाता है और उस पेपर में ये लिखा होता है कि अगर मैंने बैंक का पैसा नहीं दिया तो जिसने मेरी गारंटी ली है वो अपने बिहाफ पे जो है मेरा लोन भरेगा, ये उस पेपर में लिखा होता है जिस पे उस बंदे को, उस गारंटर को साइन करने होते हैं जो बैंक करवाता है, ठीक है दोस्तों, जिसके बिहाफ पे बैंक हमें लोन देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह से बैंक जो है अपना लोन पूरी तरह से वसूलता है। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ आई हो और अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट करके आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई आपको मैं अगले 24 घंटे में दे दूंगा। ऐसी लोन से जुड़ी और भी वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।